तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और अनुपमा के बारे में बकवास करने की? तेरे मन में चोर है तभी तो तू अनुपमा पे इतना मेहरबान है। यस स्टॉप प्लीज। वरना चल। मामा। गॉड, गॉड प्लीज मेरे सारे सपने सच कर देना, बस ये वाला सपना सच मत करना। व्हाट? अगर समर मेरे साथ होता ना तो रोहन की ऐसी हिम्मत भी नहीं होती भाभी। लेकिन वरुण को कुछ काम था इसलिए समर को उसके साथ जाना पड़ा। इसी बात का फायदा रोहन ने उठाया and he tried to scare me. He tried to scare me. मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन मुझे और समर को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। He can do anything. मुझे समर को नहीं खोना है भाभी, और मैं भड़ूं को भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोहन को कैसे हैंडल करूं। मैंने सब ट्राई किया, मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, मैंने उसे वार्न करने की कोशिश की, मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन he is not willing to let go. अब हर वक्त हर दिन मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं रोहन कब क्या कर दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है ना, और हमारे होते हुए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। शानू आंटी यहाँ पर होती, I so need her. मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? भाभी तो है ना, और तुम्हारा भाई तोशु भी तो है। एंड डोंट थिंक कि इस प्रॉब्लम में तुम और समर अकेले हो, हम सब मिलके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। ओके? जो वो हमारे सामने करेगा उसका सलूशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो वो हमारे पीठ पीछे करेगा उसका क्या? उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं होंगे भाभी। तुम्हें कोई वो फोन मैसेज कुछ आया? कुछ भी नहीं, आधा घंटा होने चला है। ना अनुज आए हैं और ना ही मिस्टर शाह कुछ पता है, कहीं दोनों कहीं पर कुछ। नहीं 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 नहीं, मुझे भी बस यही डर सताया जा रहा है। आई थिंक वी शुड गो एंड चेक। हाँ चलो चलो। अनुपमा नहीं है तो लाइट और खिड़की दरवाजे सब मुझे ही देखना पड़ रहा है। अच्छा है वनराज और काव्या भी मुंबई गए, अनुज और अनुपमा पे नजर तो रहेगी। ये नंदिनी के ऐसे दांत दिखाने वाली फोटो इधर क्या कर रही है? समर ने रखी होगी, मुझे भी रखता है। कौन है? अरे वाह, मैं हूँ। वो मैं डोर लॉक करने और लाइट्स ऑफ करने आए थे। अरे तो बता दिया कर, या स्विच ऑफ के साथ कहीं मैं ऑफ हो जाती। सॉरी बा, आप जाके आराम कीजिए ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, आराम कीजिए बा। गुड नाइट। थैंक गॉड बा ने ये पिक्चर्स नहीं देख ली, बाल बाल बच गए। कल सुबह मम्मी आएंगी, वही सब हैंडल कर लेंगे। ओ गॉड, मेरा भाई है तू, मेरा भाई है तू, मेरा भाई है, मेरा भाई है। अच्छा है तू यार। ये सपना है या सच है? सपना तो नहीं है मगर सच भी नहीं लग रहा है। आधे घंटे में पूरी की पूरी दुनिया इतनी कैसे बदल गई? दोनों ड्रंक हैं, ड्रंक है, ड्रंक। अमित का तो पता नहीं, पर मिस्टर शाह तो इतने सालों में उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाई है, तो फिर आज कैसे, कब? लगता है हमारा पटियाला पैग ये अंकल लोग पी गए हैं। मेरा यार है। हाँ, आज से
तू भी मेरा यार है। नहीं, तू मेरा जिगरी है, जिगरी मेरा भाई है, तू मेरा भाई भाई मेरा भाई है, मेरा भाई है। अच्छा तू यार, पता नहीं पीने के बाद सारे आदमियों को हो क्या जाता है कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स क्यों बन जाते हैं। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा जिगरी है, मेरा यार है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वियर्डोस, पता है मेरा मन क्या कर रहा है? हाँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और कल सुबह वी को होश आएगा ना उसके बाद ये वीडियो उसे दिखाऊं। हाँ? तब पता चलेगा उसे कैसे बिहेव कर रहा था। अरे मैं लिफ्ट दबाता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं दबाता हूँ। मैं सुबह यहाँ था, मैं दबाता हूँ। अरे एक सेकंड, मैं चश्मा लाया हूँ, मैं चश्मा पहन। अरे ओके, हे लिफ्ट आ गई। लिफ्ट चलो भी। ये मेरा भाई। I'm all right भाई। यार डांस किया यार, मतलब मजा। हम है कहाँ? मैं पता करता हूँ, मैं अभी जा। ये तो बंद है। मैं वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ नजर नहीं आ रहा। अब आया। अरे गिन गिन यार बच्चे, मैं जा रहा हूँ। मेरा भाई गिर गया यार। तुम लोग धीरे बोलिए ना, लोग सो रहे हैं। मेरा भाई अनुपमा, सुनो मैं अपने और वी के लिए रूम बुक करने जा रही हूँ, तुम जल्दी से रेस्टोरेंट से दही लेके आओ। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुए ना अभी, इनको पड़े रहने दो इधर ही। दोनों यही चुपचाप बैठे रहना जब तक हम वापस नहीं आए, एकदम चुप। अरे मैं ये कहा ने चुप चुप। हाँ? यहीं पर बैठे रहिए दोनों, और खबरदार जो जरा भी आवाज किया, जरा भी नहीं, चुप। अनुपमा जाओ जल्दी दही लाओ, तुम जाओ। चुप रहना। हाय हाय लव अनुपमा। क्या क्या कहा तुमने? आई लव अनुपमा। ये अनुपमा, ये सूरी वाली अनुपमा, तोशु की मम्मी। ये डांस अकेडमी वाली अनुपमा। मेरी वाली अनुपमा। तेरी वाली नहीं, तेरी वाली नहीं, तेरी वाली तो वो पोयम पोएट्री नहीं, तेरी वाली वो कविता। कविता काव्या। काव्या मेरी वाली तो काव्या, अनुपमा नहीं। अच्छा वो काव्या ने सुना नहीं। Thanks for reminding. मेरा भाई तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ मेरी I love अनुपमा। ये अनुपमा ये सूरी वाली अनुपमा तो सुखी मम्मी। ये सब हुआ कब? छब्बीस साल पहले, 26 years, 23rd जुलाई 1995 मेरी घड़ी में 10:03 हुए थे, और सेकंड मुझे याद नहीं, भूल गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैसेज कर दूंगा। 26 साल पहले। हाँ 26
से मैच अच्छी है यार। 26 साल पहले। अरे सब तो मैं भी उसे नहीं जानता था। तू तो उसे अब भी नहीं जानता ना। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। तू उसे कभी जान नहीं पाया, मैं कभी उसे भूल नहीं पाया। कभी नहीं। 26 साल दूर रहे फिर भी भूल नहीं पाया। कैसे? शुरू में कोशिश की, बहुत 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 कोशिश की मैंने, लेकिन ये जो प्यार का ये दिया होता ना दिया, ये जितनी आंधी आए बुझता नहीं है, नहीं बुझता। वाह वाह तू तो शायर है यार, कुछ सुना ना। मैं शायर हूँ। इरशाद इरशाद उसके सादे हुस्न के आगे चांद भी मांगे माफी है, उसके सादे हुस्न के आगे चांद भी मांगे माफी है, उससे इश्क करने के लिए एक लम्हा भी काफी है। वाह वाह। ओछे थैंक यू। लेकिन अगर वो ऐसी है कि उससे इश्क करने के लिए एक लम्हा भी काफी है, तो मेरे पास तो 25 साल थे यार। 25 साल में भी मुझे प्यार क्यों नहीं हुआ? क्यों? तुझे अनुपमा से प्यार क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ कि तुझे अनुपमा से प्यार क्यों नहीं हुआ? शादी के बाद तोशु हुआ, समर हुआ, पाखी हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, डिवोर्स हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन साला प्यार नहीं हुआ। क्यों? क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा हूं कि तुझे इतने सालों में अनुपमा से प्यार क्यों नहीं हुआ। ले, मैं भी यही सोच रहा हूं। हमारी सोच कितनी मिलती है। प्यार नहीं था लेकिन कुछ तो था जो अभी भी है। I know दिखता है। तुझे भी दिखता है? हाँ, हमेशा दिखता है साफ साफ। तुझे प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं होती। कमाल है, तुझे प्रॉब्लम नहीं होती, अनुपमा को प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर साले वनराज को क्यों प्रॉब्लम होती है? ये बात ये वनराज से पूछो। लगा तुम फोन उसको। हाँ,
एक ही दिन में क्या क्या दिखाएंगे कान्हा जी, मुझे दुनिया देखनी थी पर एक ही दिन में आपने मुझे दुनिया के इतने सारे रंग दिखा दिए। बोलो अब वो दोनों पता नहीं बैठ के क्या बातें कर रहे होंगे। भूतना एक बात मेरी अनुपमा से शादी 96 में आई, तू अनुपमा से 95 में मिला, तो तू एक साल क्या कर रहा था? करेले का अचार डाल रहा था। करेले का अचार होता है? फोकस फोकस कर फोकस। एक साल मैंने हिम्मत जुटाई, हिम्मत। फिर एक साल बाद 96 में मेरा एक दोस्त था बंटी, उसकी मैंने स्कूटर ली और अपने दिल की बात बताने अनुपमा के घर चला गया। फिर क्या, पीछे रह गया यार। किससे? तुझसे। मेरी स्कूटर तेरी घोड़ी से पीछे रह गई। बताओ के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।